अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बट मैं वेल नहीं हूँ, बिकॉज देखो सी दिस पिंपल। और मुझे पता है आज और कल दो दो फंक्शन अटेंड करना, और आज ही इसे भी आज ही पधारना था यार। आज तो आज का क्या है वो तो आप बने रहिए एंड तक के, आप लोग को पता चल जाएगा। तभी मेरी सुबह हो गई है, बहुत टाइम से हो गई थी अभी मैं स्टार्ट की व्लॉग। सो आज अभी मुझे वही एज़ यूजुअल मेरे जो नॉर्मल डेली के काम होते हैं, लादी कपड़े तो कल मैंने धो चुके, दो दिन से कंटिन्यूसली इतने कपड़े धुल रही हूँ ना मैं, इतने पापड़े यार धो भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं धोबी बन गई हूँ। तो ऐसे ही वही मेरा नॉर्मल बिस्तर उठाओ, झाड़ू मारो, लादी पोछे ये सब करो, तब मैं जल्दी से सब करके आप लोग। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होना नहीं, बस काम वाम करना है। बहुत गुस्सा आ रहा यार, क्यों आया कर भी नहीं सकते, और आज और कल में इसका तो कुछ इलाज है भी नहीं। पानी मैं सब भी नहीं पी सकती क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रोजे चल रहे ना, और आज मेरा लास्ट रोजा है और कल मेरी ईद है। ये मेरा सब काम वाम हो चुका, बिस्तर भी सब सेट वेट कर दी हूँ, और मतलब मैं ना काम ना थोड़ा जल्दी क्या बहुत ही जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी ना मैं फेस पे सोच रहा थोड़ा ना बर्फ़ से ना फेस पे ना थोड़ा बर्फ़ का वो मसाज करूँ, तो कुछ तो होगा नहीं बट कुछ तो हो जाए, मुझे तो पता कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी जहर भी हो चुकी है, तो थोड़ा करने के बाद फिर ना मैं जाती हूँ नमाज पढ़ने, उसके बाद मुझे जाना है नीचे, इसलिए वो भी आपको बताती हूँ। तो मेरी नमाज़ हो गई है पढ़ के, जोहर अदा कर लियो मैंने, अब मैं जाती हूँ बुरका पहन के, मुझे नीचे जाना है, इसलिए पहले बुरका पहन लूँ फिर नीचे आती थी, फिर बताऊँगी तुम लोग को। यार गर्मी इतनी है ना, इतनी पड़े इतनी ज़्यादा, बाप रे बाप, जो बाहर निकलो ना तो मैं कैसी बिल्डिंग में से भाप मार रहा है। तो मैं आ गई हूँ, और मेरे को ऐसा लगा ना कि पार्लर बंद है, और मैं बाहर से नॉक कर रही हूँ और ये सो रहे हैं, और मेरे को लगा फिर मेरे को लगा लगती थी गर्मी में आके रिटर्न जाना पड़ेगा, तो ये उठ गए हैं। और इतनी गर्मी ना, बाप रे बाप, देखो ये है वो इंसान जिनको आवाज़ तक के नहीं आई मेरे नौकर ने, बाहर मतलब रोजेदार क्योंकि बाहर खड़ा करता है। तो अच्छा हाँ, तो मैंने तुमको बताना भूल गया कि मैं हाई किस लिए, ऐसे तो कोई खास करना नहीं था, बट फिर भी मैं लिए ऐसा बड्डर वो सब के लिए नहीं, फिर मैं मतलब खुद के लिए ऐसी वैक्स करवा रही हूँ, और मेरे फेस के इसका तो अभी कुछ हो नहीं सकता, बहुत अंधेरा आ रहा है, लाइट चालू कर दो बाल की तरफ, अब देखिएगा हाँ। तो ये भी करा के फिर मैं रिटर्न घर पे जाऊँगी, बहुत ज़्यादा आज का मेरा शेड्यूल बिजी लग रहा है। देखो इट्स अ हार्ड वर्क, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यहाँ पर मैं नहीं, वैसे तो आई नहीं, फोन में तो साफ दिख रहा है ऐसा आईना, और मैं कितनी भद्दी दिख रही हूँ, आज तक फिर ऐसा बोलना तो नहीं, चीज़ जैसे भी अल्लाह के बनाए गए, हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वरना जो अल्लाह दिए वो भी ले लेंगे, समझे गाइस। तो जितना भी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना सीखो। तेरी कब मम्मी मम्मी कुछ है कि नहीं? अरे यार देख कितना निशान दिख रहा है अभी, इसमें तो नहीं दिख रहा इतना, करो करो कंटिन्यूसली मेरी। सो गाइस मेरा मैंने वैक्स तो करवा ली हूँ, और अभी सिर्फ मुझे ना अपर लिप करवाना है, और मुझे ही पता चला मुझे तो ये पिंपल वगैरह आ रहे ना, मेरे पोर सब ओपन हो चुके हैं, और इसका क्या ही सोल्यूशन है, इसे तुमने लेज़र ट्रीटमेंट एक बार दो सिटिंग लेज़र ट्रीटमेंट की, इसी वजह से मेरे को ये इतनी आ रही। तो अभी जो दीदी है वो बस तू ज़रा डिटेन लगा ले, ज़्यादा दिन पर थोड़ा बहुत तो सही हो जाएगा, बस डिटेन से तो सिर्फ वो टैनिंग वगैरह जाती है ना। कुछ बोलना चाहोगे अपने पार्लर के बारे में? क्या बोलते
ये ना मेरे घर जिस जो लोग देखते होंगे मेरा ब्लॉग तो लोगों को पता है मैं अमृत नगर साइड रहती हूँ एमके, तो ये एमके की गली में चिड़िया की गली के आगे ना यहीं पे पार्लर तेरे को दिख जाएगा। कुछ करते मेरे आग के अंदर आग बंद कर। मैं तुम लोग को पार्लर दिखा रही थी, ये उनका पार्लर है और मेरा ना उन्होंने भी डिटेन करके ना थोड़ा सा ना किल निकाले है जो कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा रेड रेड दिख रहा होगा किल की वजह से है। तो अभी उन्होंने मेरे को ज़्यादा सोच वोच मत, तो ज़्यादा सोचेगी ना तो देखो और ऐसा फील होगा, तो बस अभी मैं ज़्यादा सोचूँ वोचूँगी नहीं। तो अभी जाती मैं घर पर कि ऑलमोस्ट मेरा 4 बजे है, तो घर पे जाए घर बाजू में तो मेरा घर है तो घर पर मैं पहुँच ही जाऊँगी, तो घर पे जाके देखो अभी क्या करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ रिटर्न मेरे घर पे, बाय बाय, अभी हम मिलेंगे इंशाल्लाह। चले मैं चली जा घर पे। तो मैं गई थी ग्रीटिंग लेने क्योंकि मुझे गिफ्ट रैप करना है, तो ये गिफ्ट किसके लिए रैप कर रही हूँ तो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि किसको गिफ्ट देना है। तो ये गिफ्ट को हमें पैक करना है इसमें, तो मेरे ये तो बच्चों का गिफ्ट है, हाँ क्योंकि मैं बच्चे के बर्थडे में जा रही हूँ इसके लिए। तो मैं बच्चे के बर्थडे में जा रही हूँ ना, इसके लिए मैं ये, और बॉय है तो इसके लिए मैंने ये टॉय ली हूँ। चलो इसको भी पैक करते यार, मेरे अकेले से रैप नहीं होता गिफ्ट, तो मैंने मेरे भाई को लिए, भाई हेल्प कर दे थोड़ी सी मेरी कि मेरा कोई छोटा पड़ जा रहा है, बस ज़्यादा ही बड़ा है। श्याम तुम्हारी चैन खुली है, भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने, तभी ये कर रहा है मेरे साथ। तो देखो ये पूरा मैं सेलोटेप ही ख़त्म कर दे रहा है, उन लोग को खोलना भी रहेगा, ये तो ऐसा करा कि उसे खुले खुलेगा भी नहीं, बेचारा बच्चा थक जाएगा खोल खोल के, इसे तो बच्चा तो गिफ्ट ओपन नहीं करेगा ही, बट फिर भी एंट्री करेंगे तो बोलेंगे भाई अब यहाँ पे लगा वहाँ का बाकी। देखो मेरी बहन ने लोग को नहलाई आज, ए आज सब आज सब भी लोग, अम्मी सुबह हनी को नहलाया, फिर आप अभी कालू शेरू पिल्लू सबको नहलाइए, और मैं ये वाला ड्रेस सोचू ये ड्रेस पहन के जाऊँ, हल्का है नॉर्मल है सब सही रहेगा यार, पहन के जाऊँ। चलो यार इसको इस्त्री करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं आती इस्त्री करने, फिर मैं ट्राई करती हूँ। चलो मैंने मेरा ये दो कुर्ता इस्त्री कर दी, अब ये दुपट्टा की बारी है, और ये मेरा भाई मुझे पता देख रहा है, मैंने टॉर्च मारी ये दिख रहा है, और ये मेरी बहन है, मेरे भाई जान से बात करती हूँ, इस्त्री कर रहे हैं मैं जा। मेरी असर हो गई है और अभी सोच रही हूँ जाके रेडी हो जाती हूँ, ऐसे तो वजू है ही मेरा, रेडी होती है अभी और ऐसे तो निकलूँगी मैं मगरिब नमाज पढ़ने के बाद ही निकलूँगी, तो जब तक मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ ताकि तो ज़्यादा टाइम ना हो, क्योंकि 6 बजे जाना है और मुझे और 7:30 बज जाएंगे जाते वक्त, तो चलो सब रेडी रेडी बस जल्दी से पहन के रेडी होके बैठती हूँ, फिर इफ्तार खोल के फ़ौरन नमाज़ पढ़ के मैं भी निकल जाऊँगी। ये बैठे ना दस्तरखान कुछ भी नहीं बिछाया। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी मगरिब भी हो गई है और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा थोड़ी स्कार्फ है ना यहाँ से मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था, मैं सोचती हूँ वापस चेंज करके वापस से बांध दूँ, वापस मैं जा रही हूँ चेंज करने, जाकर मुझे थोड़ा सही लग रहा यार, ये देखो इस तरीके का सफ़र आ, तब मैं थोड़े टाइम से निकलती हूँ। घर से निकल गई और मैं गिफ्ट की भूल गई थी लेना जिसके लिए था वो करी, तो चलो अभी पहुँचे से जन पहुँचे तक कि मेरा स्कार्फ भी मेरा ख़राब हो गया, मुझे स्कार्फ रिटर्न बांधना पड़ेगा, पर स्कार्फ भी खुल गया, वॉम मेरा और कपड़े का मैचिंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ है बर्थडे पार्टी ऊपर होगा बाग, मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है ना, जल्दी मैं बर्थडे मैंने जाती हूँ नहीं, और एक तो यहाँ पे
पे बर्थडे किसका होगा आपका आगे पता चलेगा। बर्थडे बॉय हाथ में मिला, इधर 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 मैं मुंह देख के रो रही हूँ, मेकअप में डर ही लगता है बच्चा। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। पहचान बड्डे तो बाप आ गए तुम। नहीं खाया? नहीं खाया। हाँ तो बता दो तैमूर का आज बड्डे। तैमूर हैप्पी बर्थडे है। पता है बड्डे तो तुम भाव खाएंगे क्या? तुमने भी खाते आराम से तो तुम किसी दिन तो कह रही थी कि तो बाहर को बोल रही तोड़ने। वैसे तो एक कह रही हूँ मैंने तोड़ चुके हैं, देख लिए चाची ने देख लिए। अरे हमने चाची से बच कर ना नीचे चाचू खड़े तो उनसे बच कर हमने कैरी तोड़े। नहीं सॉरी कह रही है यार। अच्छा तैमूर का टकला लाल कर दिया था किसने? हाँ तैमूर चारे बच्चे का किसने टकला फोड़ दिया था। हमने ना कैरी तोड़े ना नीचे से। पकड़ी 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 चालिए। बाकी कैरी तोड़ रहे थे तो अंकल जब से नजर रखी थी हटा ही नहीं रहे थे। बंद करो। तुम लोग को तोड़ी गो चीजें मतलब बुड्ढे से बुजुर्ग यहाँ पे एक झाड़ यहाँ पे है, एक केक काटते वहाँ पर, एक स्विमिंग पूल के ऊपर। स्विमिंग पूल और ऊपर नहीं टूटेगा, केक जो काटते ना वहाँ पर है। बाकी झाड़ को दो तीन पकड़ना पड़ेगा। बाकी चीचा की नजर मतलब जो अंकल बैठे ना नीचे बुजुर्ग अंकल वो ऊपर ही देखने से बैठे। जा तोड़ो कैमरा और सामने वाले झाड़ में कैमरा भी लगा हुआ। खाना ए खा ले मैं खा लो तुम खा लो तो अच्छे बच्चे दे दिए मेरे को तुमने चिप्स। बच्चा समझदार है, छोटा खलील का जो भाई है ना छोटे खलील, बराबर से उसका ध्यान कैमरे में है। वाह उसको देखो ना, मैं दांत ना कट कट होने लगता है। सोचा काट लूँ काट लूँ काट लूँ ना इतना हार्ड केक था कि हाथ ब्लू पूरा ब्लू 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 हो गया। क्या है यार प्लेट ले जा, खाना लेके आओ गरम कर। मेरा खाना खा के हो गया है, खाना सही बहुत अच्छा टेस्टी था। अभी मैं जाऊँ ना अंदर ले जाने के ले जाओ ना। तो मैं आइसक्रीम खाई नहीं पर ये मेरे को ये मेरे लेकर आ बेटा वो लोग देना आइसक्रीम और कैसी है? गर्मी में आइसक्रीम कैसी बोले तो अच्छी रहेगी। खाई नहीं थी मैं आइसक्रीम बट चाहिए थी किसी को याद थी इसलिए मैं को लाया। थैंक यू ठीक है ना खा के आइसक्रीम तभी घर को निकलूंगा। तो नॉर्मल इसको इसे जैसे मैं ढूंढ लो गाइस मैं घर पर आ चुकी हूँ और मेरा सुबह से लेकर अभी तक यही शेड्यूल था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे साथ जुड़े रह के सुबह से अभी तक के देखने। और कल का भी क्या पूरा दिन करेंगे उसका भी ब्लॉग आएगा और ये ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लाइक कमेंट शेयर कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय हमारे।